सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर में भारजा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक लालसोट से पिकनिक मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। प्रशासन ने 12 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन कर युवक का शव नदी से बाहर निकाला। तहसीलदार सीमा गुनावत ने एडवाइजरी और अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में नदी नालों में उफान होता है, ऐसे में लोग सावधानी बरतें और पिकनिक वाली जगहों पर सावधान रहें। अत्यधिक आवक बनी हुई है तथा पानी का तीव्र बहाव है, तो बरसात के ऐसे मौसम में कुछ लोग पिकनिक मनाने के उद्देश्य से नदियों के किनारे बने हुए कुछ पिकनिक पॉइंट्स पर घूमने के उद्देश्य से चले जाते हैं। अभी हाल ही में कल की घटना है, मलारना डूंगर तहसील क्षेत्र में बनास नदी पर बने भाजा निकट की रपट के पास लालसोट क्षेत्र के कुछ छात्र पिकनिक मनाने के उद्देश्य से आए हुए थे। उनमें से दो छात्र नदी के तीव्र बहाव क्षेत्र में चले गए, जिसे एक को तो वहां मौजूद मछुआरे के द्वारा बचा लिया गया। एक छात्र शादाब खान निवासी लालसोट की तीव्र बहाव में बह जाने के कारण डेथ हो गई। इसके सूचना मिलते ही प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और SDRF की टीम द्वारा सफल ऑपरेशन के बाद में 20 घंटे लगभग 20 घंटे के बाद में डेड बॉडी को बाहर निकाला जा सका है।